अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी शेयर करूंगी, लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आज मैं आपको क्विलिंग के डिफरेंट पैटर्न सिखाऊंगी, डिफरेंट डिज़ाइन सिखाऊंगी। एक ही वीडियो में आपको क्विलिंग की बहुत सारी बेसिक टेक्निक्स पता चल जाएंगी। डिज़ाइंस के अलावा मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके पास क्विलिंग टूल नहीं है तो आप उसके बगैर कैसे क्विलिंग कर सकते हैं। मैं आपको क्विलिंग टूल बनाना भी सिखाऊंगी, कौन कौन सा जो है वो क्विलिंग डिज़ाइन, उसका क्या नेम है और वो कैसे बनता है, वो मैं आपको बारी बारी बताती जाऊँगी। सबसे पहले जी ये है, इसको बोलते हैं टाइट कॉयल। ये देखें, ये एक कॉयल की तरह होता है, इसको टाइट कॉयल कहते हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगी जी लूज़ कॉयल, इसको लूज़ कॉयल कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें आपको सारे रिंग्स नज़र आ रहे हैं, लूज़ कॉयल। फिर आ जाता है जी हमारे पास सेमी सर्कल या हाफ सर्कल, इसको हाफ मून भी कहते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास। फिर आ जाएगा जी ये, इसको बेंट सेमी सर्कल कहते हैं या बेंट मून कह लें आप, यानी कि थोड़ा सा अंदर की तरफ को बेंट हुआ हुआ है, ये देखें यूँ। फिर उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास ये ट्रायंगल, ट्रायंगल शेप। फिर आ जाती है जी हमारे पास ये स्क्वायर शेप। फिर आ जाती है जी हमारे पास टीयर ड्रॉप, इसको टीयर ड्रॉप कहते हैं। ये बेंट टीयर ड्रॉप आ जाती है, या इसको लीफ डिज़ाइन भी कहते हैं, लीफ पैटर्न भी कहते हैं। ये भी लीफ है जी। ये आ गया है हमारे पास एरो, एरो हेड भी इसको कहते हैं। ये आई की, जैसे आंख की शक्ल होती है वैसे है ये। फिर ये हमारे पास आ जाता है स्टार शेप। ये हमारे पास आ जाता है डक फुट। ये हमारे पास सी स्क्रोल, इसको सी स्क्रोल कहते हैं, इसको वी स्क्रोल कहते हैं। ये इस तरह से है तो ये हार्ड शेप भी बन जाती है और इसको वी स्क्रोल भी कहते हैं, और अगर मैं इसको यूं कर दूंगी तो ये ओपन स्क्रोल हो जाएगा। ये एस स्क्रोल आ जाता है हमारे पास, ये एस स्क्रोल है, और ये हमारे पास कनेक्टेड स्क्रोल्स कहते हैं इनको। आज मैं आपको ये सब सिखाऊंगी, और ये कुछ लीव्स की भी पैटर्न है वो मैं आपको सिखाऊंगी। एक ये है और एक ये पैटर्न है लीव्स का। तो ये सब इंशाल्लाह मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। बहुत इजी हैं, इनको बनाना बहुत आसान है। जस्ट एक बेसिक शेप, ये जो हमारी ये बेसिक शेप है लूज कॉयल की, इससे मोस्टली ये सब बने हुए हैं। इनको निकाल के, ये जो हमारे स्क्रोल्स हैं इनको निकाल के, जो बाकी सब हैं वो इस बेसिक शेप से बनी है। तो चलिए जी अपनी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको क्विलिंग टूल की ज़रूरत है। अगर आपके पास क्विलिंग टूल नहीं है तो मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ कि आप क्विलिंग टूल घर पे कैसे बना सकते हैं। बहुत आसान है। अगर आपको क्विलिंग का शौक़ है तो क्विलिंग टूल का वेट मत करें, आप जस्ट घर से क्विलिंग टूल अपना खुद तैयार कर सकते हैं। उसके लिए जी आपको चाहिए एक अदर टेम्पो मार्कर ले लें, जो कि यूज़ करने में नहीं है, सूख चुका है। इस तरह से ये देखें, ये मैंने घर पे खुद बनाया हुआ है क्विलिंग टूल टेम्पो मार्कर से। तो आपने इस तरह से एक टेम्पो मार्कर ले लेना है, और टूथपिक का या ईयरबड का, ईयरबड ले लें आप, और उसको उसके ऊपर से एजेस जो हैं वो काट दें। फिर आपने क्या करना है कि इस ईयरबड को दरमियान से कट लगा देना है। ये देखें जी, मैं आपको बताती हूँ, ये ईयरबड को हम दरमियान से कट लगा देंगे। ये देखें, ये दरमियान से मैंने इसको कट लगा दिया। अब कट लगा के मैंने इसको इसके अंदर डाल देना है, इसकी एक निब बना देनी है। ये देखें, ये इसके अंदर, चल ये हमारा क्विलिंग टूल रेडी हो गया, ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। और सर्कल्स की शेप के लिए ये मैंने एक रिंग सा पड़ा हुआ था, ये मैंने सर्कल्स की शेप के लिए रख लिया है। इस तरह से आप घर पे कोई भी, कोई पुराना हॉलो रिंग है इस तरह से, तो वो आप रख लें, जिसमें आप अपने सर्कल्स को रख के उसको शेप देंगे और साइज़
मुख्तलिफ साइज़ेस के रिंग्स होते हैं। मैंने ये रखा हुआ है एक बेसिक साइज़ सा, तो आप इस तरह से रिंग्स रख लें और उसमें आप अपनी शेप्स जो हमारी हैं उनको उसके लिए ये यूज़ करेंगे। तो चलिए जी, हमें स्ट्रिप्स चाहिए। ये देखें जी, ये स्ट्रिप्स मैंने घर पर ही सारी काट ली थी। आपको इसके लिए स्टील स्केल चाहिए, स्टील स्केल या कोई भी आप स्केल ले लें, और जितनी आपने स्ट्रिप्स की विड्थ रखनी है, मतलब जितनी आपको पतली या चौड़ी चाहिए उसके हिसाब से आप रख के तो इसको कटर से काट लें। आप ग्लास के ऊपर कटर चलाएंगे तो वो बहुत स्मूथली चलता है। तो आप शीशे के ऊपर पेज रखें अपना और स्ट्रिप्स को काटते जाएं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि आप टाइट कॉइल कैसे बनाएंगे। उसके लिए मैंने दो स्ट्रिप्स लिए हैं, मैं छोटा वाला बना रही हूँ, आपने बड़ा बनाना है तो आप उसमें स्ट्रिप्स ऐड करते जाएंगे। ये देखिए, आपने ये स्ट्रिप ली, इसको आपने वो जो आपने दरमियान से कट किया है उसके अंदर आपने इसको डाल देना है। ये देखें, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ से हमने इसको रोल करने शुरू कर देना है। ये देखें, ऐसे आपने इसको रोल करने शुरू कर देना है। ये हमने इसको रोल करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये एंड पे आएगा, अब यहाँ पे हमने इधर स्ट्रिप ऐड कर देनी है। ये देखें जी, ये मैंने स्ट्रिप ऐड कर दी। थोड़ा सा इसको यहाँ पे आपने सूखने देना है ताकि ये ड्राई हो जाए।
तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी आज की वीडियो क्विलिंग पैटर्न के बारे में। मैंने आपको इसमें डिफरेंट पैटर्न सिखाए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जो स्टार्ट में मैंने स्क्रोल्स और लीव्स आपको दिखाए थे, इंशाल्लाह वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको यहीं पर एंड कर दिया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।